दोस्तों आजकल के बढ़ती हुई दिल की बीमारियों में सबसे मुख्य कारण जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। दोस्तों आज बात करेंगे बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कितना होता है और इसका ज़्यादा मतलब हाई लेवल जो होता है वो कितना होता है, इन सबों पर बात करेंगे। दोस्तों बने रहे वीडियो पर, अंत तक देखें और वीडियो अच्छे लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों दिल की बीमारियों के बढ़ते मामले एक चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा करते हैं। हार्ट अटैक, हार्ट फेलर, ब्लड प्रेशर इत्यादि जो हार्ट की बीमारियां होते हैं उसका मुख्य वजह बैड कोलेस्ट्रॉल है। हालांकि इसे कम कर दिल की बीमारियों को खुद की रक्षा की जा सकती है और इसके लिए आपको अपने डाइट लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करना पड़ता है। नॉर्मल बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब LDH को बैड कोलेस्ट्रॉल ही कहा जाता है। नॉर्मल जो होता है 100 से कम रहना चाहिए। एडल्ट में 100 से लेके 129 mg/dL तक रहता है और वहीं जब हाई होता है तो 130 से 190 के बीच में रहता है। और इससे बचने के लिए आपको खान पान में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपको ज़्यादा वसा युक्त तेल मसाला और चिकन मटन इत्यादि से परहेज करना चाहिए। वहीं यदि ड्रिंकिंग स्मोकिंग की हिस्ट्री हो तो उसे अवॉइड करना चाहिए। रोजाना 30-45 मिनट वॉकिंग जॉगिंग योग प्राणायाम सूर्य नमस्कार इत्यादि करना चाहिए। मुख्य रूप से देखा जाए तो फाइबर युक्त आहार भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। सब्जियां लेना चाहिए, फल फूल साबुत अनाज भिंडी इत्यादि को खाते रहना चाहिए। इससे आपका जो है कोलेस्ट्रॉल जो रहता है बैड कोलेस्ट्रॉल वो कंट्रोल रहता है और आप हेल्दी रहते हैं, हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो पे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।